कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजया एकादशी के व्रत से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों के लिए शास्त्र सम्मत लेकर आए हैं। ये व्रत आपको कब करना चाहिए, 26 तारीख यानी आज के दिन या फिर कल 27 फरवरी को ये व्रत रखना उचित होगा और किन किन व्यक्तियों को ये व्रत किस दिन रखना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र अनुसार जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, रविवार को जब भी दो तिथियां होती हैं, हम लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। विशेषकर गृहस्थ जीवन वाले जातक व्रत को लेकर भ्रमित रहते हैं कि व्रत कब करना चाहिए। जब भी दो तिथियां हो तो ऐसे में प्रथम तिथि उस दिन सन्यासी, विधवा, वन आश्रम वाले व्यक्ति और दूसरे दिन गृहस्थ जीवन वाले गृहस्थियों को, वैष्णव संपदा वाले व्यक्तियों को ये व्रत करना चाहिए। यानी यति तिथि सूर्य उदय के बाद अगर प्रारंभ हुई है तो वह मान्य नहीं है। सूर्य उदय के समय यदि व्रत जैसे कि एकादशी या पूर्णिमा का व्रत करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्रत उदय तिथि के दिन ही करना है। इस बार विजया एकादशी 27 फरवरी 2022 रविवार को ही मनाई जाएगी। और दोस्तों, निर्णय सिंधु के अनुसार यदि एकादशी तिथि दशमी के साथ भी हो और द्वादशी के साथ भी हो तो द्वादशी के साथ एकादशी का व्रत करना शास्त्र सम्मत कहा गया है। 26 फरवरी 2022 शनिवार को दसवीं तिथि प्रातः 10:42 तक है, उसके पश्चात एकादशी तिथि रहेगी। तो शास्त्र अनुसार जिस तिथि को सूर्य का दर्शन ना हो वह तिथि क्षय कहलाती है, इसलिए 26 फरवरी को एकादशी तिथि का क्षय कहा गया है। परंतु 27 फरवरी 2022 रविवार को एकादशी तिथि प्रातः 8:32 तक रहेगी, यानी 27 फरवरी को सूर्योदय के समय एकादशी की तिथि रहेगी। तो गृहस्थियों को एकादशी का व्रत 27 फरवरी को ही करना है, रविवार के दिन ही ये व्रत रखा जाएगा। और द्वादशी तिथि के साथ एकादशी होने के कारण इस व्रत को 27 फरवरी 2022 यानी रविवार को करना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। तो दोस्तों, ऐसे भ्रम की स्थिति जब कभी भी उत्पन्न हो जाए तो विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा कि व्रत आपको उदय तिथि के दिन ही करना है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ हमने भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए ये शास्त्र सम्मत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, एकादशी व्रत की कथा, महात्म्य व्रत का पारण आपको किस समय पर और कैसे करना चाहिए, इससे संबंधित पूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए लाभदायक भी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।